वालेकुम क्लास वन, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर वर्कबुक पेज नंबर 21, टेल द टाइम। हम जैसे कि कल प्रीवियस लेक्चर में भी टाइम के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइम क्या है? टाइम क्लॉक हमें बताता है और हर क्लॉक के टू हैंड्स होते हैं, वन इज़ लॉन्ग हैंड एंड वन इज़ शॉर्ट हैंड। लॉन्ग हैंड जो होता है वो मिनट्स को शो करता है और शॉर्ट हैंड जो है वो आवर्स को शो करता है, घंटों को शो करता है। ठीक है, तो ओक क्लॉक जो है वो एक टाइम, दो तरह का टाइम हम बताते हैं। एक तो डिजिटल टाइम होता है और एक ओ क्लॉक होता है। ओ क्लॉक का मतलब है कि आपका जो लॉन्ग हैंड है वो लाजमी सी बात है वो 12 पे होगा तो ओ क्लॉक होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, अब लॉन्ग हैंड 12 पे होगा और शॉर्ट हैंड 5 पे है, दैट्स मीन 5 ओ क्लॉक। यहाँ पर आपको डिजिटल टाइम नहीं बताना, यहाँ पर आपको फर्स्ट 3 क्लॉक्स में ओ क्लॉक बताना है। 9 o'clock, 11 o'clock, उसके बाद डिजिटल टाइम बताएंगे आप, तो 3 o'clock, 12 o'clock एंड 1 o'clock। ओके, देखिए स्मॉल हैंड 3 पे था, लॉन्ग हैंड 12 पे था, तो 3 o'clock, इसको हम पढ़ेंगे 3 o'clock ही। ठीक है, लेकिन ये डिजिटल टाइम शो करने का तरीका है और ये ओ क्लॉक को शो करने का तरीका है। ओ क्लॉक को एनालॉग टाइम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, शो द टाइम। अब आपको उन्होंने टाइम दिया है, आपने उसकी नीडल्स को ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पर आपको नीडल्स ड्रॉ करके दी गई हैं, टाइम क्लॉक शो कर रहा है और आपने वहाँ पर राइट करना है कि क्या टाइम है। बट यहाँ पर नीचे आपको टाइम दिया गया है और आपने ख़ुद क्लॉक पे ड्रॉ करना है। अब 7 o'clock है तो डेफिनेटली उसका लॉन्ग हैंड 12 पे होगा और 7 जो है वो 7 o'clock है तो स्मॉल हैंड 7 पे चला जाएगा। 12 o'clock है तो लॉन्ग हैंड 12 पे और स्मॉल हैंड भी 12 पे। 6 o'clock, तो 6 o'clock है तो 12 पे, लॉन्ग हैंड तो 12 पे ही होगा और स्मॉल हैंड जो है वो 6 पे होगा। अब यह है 2 o'clock, तो 2 पे स्मॉल हैंड और लॉन्ग हैंड 12 पे। 10 o'clock, लॉन्ग हैंड 12 पे और स्मॉल हैंड 10 पे, लॉन्ग हैंड 12 पे और स्मॉल हैंड 4 पे। ठीक है, तो पढ़ते हम इसको ओ क्लॉक ही हैं, बट ये डिजिटल, ये हमारा एनालॉग टाइम है, ओ क्लॉक जिसे कहते हैं, और ये हमारा डिजिटल टाइम है। ठीक है,